हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुकोज रिले की। बुकोज रिले जो होती है वो ट्रांसफॉर्मर में यूज होती है। ट्रांसफॉर्मर में जब भी इंटरनल फॉल्ट होता है तो उसको डिफाइन करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए ये बुकोज रिले यूज होती है। बुकोज रिले जो ऑपरेट होती है वो गैस ऑपरेटेड रिले होती है। मीन्स कि जब भी ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट होगा और जो गैस ऑपरेट होगा वो गैस की मदद से ये बुकोज रिले ऑपरेट होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम है गैस ऑपरेटेड रिले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुकोज रिले का इंस्टॉलेशन कहाँ पे होता है और उसका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो जैसे ये डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर टैंक है और कंजर्वेटर है। ट्रांसफॉर्मर टैंक और कंजर्वेटर वो दोनों को जिस पाइप के जरिए हम कनेक्ट करते हैं वो पाइप के बीच में हम बुकोज रिले को इंस्टॉल करते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर टैंक में जो फॉल्ट होगा तो गैस ऑपरेट होगा तो वो गैस हमारी कंजर्वेटर की डायरेक्शन में फ्लो होता है और वो फ्लो के बीच में हमारा बुकोज रिले जाता है, तो उसकी मदद से बुकोज रिले ऑपरेट होगा। ओके, यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है बुकोज रिले का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। बुकोज रिले एक सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन होता है, एक साइड उसकी ट्रांसफॉर्मर में से आती है और दूसरी साइड जाएगी कंजर्वेटर में से। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं बुकोज रिले में बेसिकली दो फ्लोट यूज किए जाते हैं और ये फ्लोट होता है एल्यूमिनियम के। तो सबसे फर्स्ट वाला जैसे कहा जाएगा अपर फ्लोट, तो अपर फ्लोट होगा वो एक स्लोप में रखा जाता है। वो फ्लोट के ऊपर एक मर्क्यूरी ट्यूब रखी जाती है, मर्क्यूरी ट्यूब होती है उसमें मर्क्यूरी फिल अप किया जाएगा। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये जो डार्क पोर्शन है वो हमारा मर्क्यूरी है। तो ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी होता है और ट्यूब में से दो कनेक्शन बाहर निकलते हैं। एक कनेक्शन होता है उसको मर्क्यूरी में के साथ कनेक्ट किया जाता है बट दूसरा कनेक्शन ओपन होता है। तो ये जो फ्लोट है वो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आता है सो दैट्स व्हाई मर्क्यूरी जो है वो दोनों कनेक्शन से टच हो जाएगा और मर्क्यूरी कंडक्टिंग है, सो दैट्स व्हाई ये दोनों हमारे कनेक्शन शॉर्ट हो जाएंगे। वैसे ही सेम लोअर साइड में जो हमारा लोअर फ्लोट है उसके साथ भी एक एल्यूमिनियम फ्लैप के साथ फ्लोट रखा जा रहा है और उसके ऊपर भी एक मर्क्यूरी ट्यूब रखी जाएगी और वो मर्क्यूरी ट्यूब के सेम अपर वाले फ्लोट की तरफ दो कनेक्शन होंगे। एक कनेक्शन मर्क्यूरी के साथ पहले कनेक्टेड होगा और दूसरा कनेक्शन है वो ओपन होगा। तो जब भी हेल्दी कंडीशन रहेगा, ये हेल्दी कंडीशन में दोनों मर्क्यूरी ट्यूब है वो एक स्लॉट में रखी जाएगी और जब भी अनहेल्दी कंडीशन क्रिएट होगा तो ये वॉक करेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द बुकोज रिले। और इसमें बुकोज रिले है वो बेसिकली टू टाइप्स के फॉल्ट डिटेक्ट करती है। एक तो जो फॉल्ट होने वाला है उसके पहले हमें अलार्म दे देती है कि भाई हाँ फॉल्ट हो रहा है, और दूसरा कि अगर मेजर फॉल्ट होता है तो वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाती है और ट्रांसफॉर्मर है वो हमारा आइसोलेट हो जाता है। नाउ अभी बात करते हैं उसके वर्किंग की। तो सबसे पहले अगर कोई माइनर फॉल्ट होता है ट्रांसफॉर्मर के टैंक में और ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में तो उसकी वजह से गैस ऑपरेट होता है। तो जो गैस है वो बेसिकली कंजर्वेटर की डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उसके बीच में आएगा हमारा बुकोज रिले। तो यहां से जब भी गैस एंटर होगा तो गैस ऑयल के साथ ऊपर आएगा, तो ये जो गैस है यहां से ऊपर आएगा और हमारा जो बुकोज रिले का सिलेंडर है उसका ये जो अपर वाला पोर्शन है उसमें गैस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये गैस आएगा वैसे वैसे बुकोज रिले में जो ऑयल रहता है उसका लेवल धीरे धीरे नीचे आएगा और जैसे ही एक लेवल उसके मिनिमम लेवल से नीचे आता है तो हमारा ये जो अपर वाला फ्लोट है वो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजिशन में आ जाएगा। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल पोजिशन में आता है तो हमारा ये अपर मर्क्यूरी ट्यूब है उसका मर्क्यूरी दोनों कॉन्टेक्ट को टच हो जाता है और वो दोनों कॉन्टेक्ट हमारा रिले यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। ये जो अपर फ्लोट होता है उसकी रिले होती है हमारी बेल के साथ कनेक्टेड। ये हमने सिंपल एक अलार्म बेल लगा दी है तो ये बेल की मदद से हमें पता चलेगा कि कोई माइनर फॉल्ट हुआ है। दूसरी बात करते हैं कि मेजर फॉल्ट की। जब भी ट्रांसफॉर्मर टैंक में मेजर फॉल्ट हुआ, जब मेजर फॉल्ट होता है तब जो गैस की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो मेजर फॉल्ट में गैस एक एक्सप्लोजन की तरह वर्क करेगा। तो जैसे यहां पे मेजर फॉल्ट होता है तो ट्रांसफॉर्मर का जो भी ऑयल होता है वो काफी
तेजी से एक्सपांड होगा और वो एक्सपांड करेगा हमारे कंजर्वेटर की ओर। नाउ यहां पे एक्सपांशन का डायरेक्शन होगा ट्रांसफॉर्मर टाइप से कंजर्वेटर से, तो वापस अगेन बीच में हमारा बुकोज रेल आएगा। सो दैट्स व्हाई यहां पे अगर मेजर एक्सपांशन होगा तो जो लोअर फ्लोट है उसका ये एल्यूमिनियम फ्लैप होता है उस पर प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से ये फ्लैप है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो दैट्स व्हाई अगेन जो लोअर फ्लोट है हमारा और लोअर फ्लोट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा और ये जो दो कनेक्शन है वो बायोजिंग मर्क्यूरी शॉर्ट होंगे और वो हमारा ट्रिपिंग कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाएंगे। तो जब भी माइनर फॉल्ट होता है तो अपर वाला फ्लोट है वो ऑपरेट होता है और अगर मेजर फॉल्ट होता है तो हमारा लोअर वाला फ्लोट है वो ऑपरेट होगा। तो ये है हमारी बुकोज रिले। नाउ ऊपर जो गैस यहाँ पे होता है उसको रिलीज करने के लिए कॉक दिया जाता है, तो कॉक की मदद से हम गैस को रिलीज कर सकते हैं और गैस का लिटमस टेस्ट करके हम जान सकते हैं कि किस टाइप का फॉल्ट हो रहा है। तो सिंपल ग्लूकोज रिले है वो ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज होती है माइनर फॉल्ट और मेजर फॉल्ट के लिए।